नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर, अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेजी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड, ईशान नंदकिशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं, और अब उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्यावधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहां वह तेज़ी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है, जो केवल वहां के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं, जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है।
और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं, जहां वे ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंदकिशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में बापा सलाम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उससे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबूनंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान राम शंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में आइरिन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007 तारे ज़मीन पर 2007 थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं। हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वी द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।
ट्रैक लिस्टिंग। गाना नंबर एक तारे ज़मीन पर। इस गाने के गायकार शंकर महादेवन, डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर दो कोलो कोलो। इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन बम बम बोले। इस गाने को शान, आमिर खान, अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार माँ। इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच भेजा कुम। इस गाने के गायकार शंकर महादेवन, बक्स भार्गव, शंकर सचदेव, रोज गोपाल अय्यर, रवि खानवियर, लॉक मेंडोसा, अमोल गुप्ते, किरण राव, आमिर खान, राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर छः जेम रहो। इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर सात मेरा जहान। इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ ईशान की थीम। इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेजी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड ईशान नंद किशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है।
उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं, और अब उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी हैं जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्यावधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहाँ वह तेजी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है, जो केवल वहाँ के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है, जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं, जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है, और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं, जहां वे ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है, और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उससे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं, तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबूनंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान रामशंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओक निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक
एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में, आइरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव, ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक, विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक, ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी, खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन, खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति, गीत संगीत तारे जमीन पर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय, मुक्त 4 नवंबर 2007, रिकॉर्डेड 2007, स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत, शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक, लंबाई 38-45, लेवल टी सीरीज, निर्माता शंकर एहसान लॉय, शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007, तारे ज़मीन पर 2007, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008, तारे ज़मीन पर का साउंड ट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं, हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वे द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर, इस गाने के गायिका शंकर महादेवन, डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो, इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले, इस गाने को शान, आमिर खान, अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ, इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम, इस गाने के गायिका शंकर महादेवन, बक्स भार्गव, शंकर सचदेव, रोज गोपाल अय्यर, रवि खानवियर, लॉक मेंडोसा, अमोल गुप्ते, किरण राव, आमिर खान, राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो, इस गाने के गायिका विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर 7 मेरा जहान, इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम, इस गाने के गायिका शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेजी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर, विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन।
रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक डीवीडी जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की डीवीडी ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे जमीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड। ईशान नंद किशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंद किशोर ने ईशान मध्यावधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहाँ वह तेज़ी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है जो केवल वहाँ के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं जहां वह ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उसे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आँखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है।
प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबूनंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के अवलिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान रामशंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेड मास्टर के रूप में आयरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007 तारे ज़मीन पर 2007 थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वी द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर इस गाने के गायिका शंकर महादेवन डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले इस गाने को शान आमिर खान अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम इस गाने के गायिका शंकर महादेवन बक्स भार्गव शंकर सचदेव रोज गोपाल अय्यर रवि खानवियर लॉक मेंडोसा अमोल गुप्ते किरण राव आमिर खान राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो इस गाने के गायिका विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर 7 मेरा जहान इस गाने को अदनान सामी ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम इस गाने के गायिका शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेज़ी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित
और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड ईशान नंदकिशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी हैं जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्य अवधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहां वह तेजी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है जो केवल वहां के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं जहां वे ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध
डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वह ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उससे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबूनंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान राम शंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में आइरिन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007 तारे ज़मीन पर 2007 थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं। हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वी द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर। इस गाने के गायकार शंकर महादेवन डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले इस गाने को शान आमिर खान अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम इस गाने के गायकार शंकर महादेवन बक्स भार्गव शंकर सचदेव रोज गोपालयर रवि खानवियर लॉक मेंडोसा अमोल गुप्ते किरण राव आमिर खान राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं।
गाना नंबर 7 मेरा जहान। इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम। इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर, अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेजी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय की शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड। ईशान नंदकिशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्यावधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहां वह तेज़ी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है, जो केवल वहां के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है, जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष
छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं, जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं, जहां वे ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उससे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबूनंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान रामशंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओक निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में आइरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे ज़मीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007
तारे ज़मीन पर 2007, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008, तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं। हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वे द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर, इस गाने के गायिका शंकर महादेवन, डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो, इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले, इस गाने को शान, आमिर खान, अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ, इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम, इस गाने के गायिका शंकर महादेवन, बक्स भार्गव, शंकर सचदेव, रोज गोपाल अय्यर, रवि खानवियर, लॉक मेंडोसा, अमोल गुप्ते, किरण राव, आमिर खान, राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो, इस गाने के गायिका विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर 7 मेरा जहान, इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम, इस गाने के गायिका शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेजी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर
को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड। ईशान नंद किशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं, और उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्य अवधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहाँ वह तेज़ी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है, जो केवल वहाँ के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है, जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं, जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है, और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं, जहां वह ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है, और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उसे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं, तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबू नंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान रामशंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे
अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत, इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान, माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा, ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी, ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा, रामित गुप्ता रंजीत के रूप में, जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ, निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में, आइरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव, ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक, विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक, ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका, ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति, अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति, गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय, मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत, शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज, निर्माता शंकर एहसान लॉय, शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007, तारे ज़मीन पर 2007, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008, तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं, हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वे द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर, इस गाने के गायकार शंकर महादेवन डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो, इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले, इस गाने को शान आमिर खान अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ, इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम, इस गाने के गायकार शंकर महादेवन, बक्स भार्गव, शंकर सचदेव, रोज गोपाल अय्यर, रवि खानवियर, लॉक मेंडोसा, अमोल गुप्ते, किरण राव, आमिर खान, राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो, इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर 7 मेरा जहान, इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम, इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेज़ी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी
आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, बिपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनशेरा, छायांकन, सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड ईशान नंद किशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी हैं जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंद किशोर ने ईशान मध्य अवधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहाँ वह तेज़ी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है जो केवल वहाँ के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं जहां वे ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है।
और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उससे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबूनंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान राम शंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में आइरिन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007 तारे ज़मीन पर 2007 थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं। हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वी द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग। गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर। इस गाने के गायकार शंकर महादेवन डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो। इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले। इस गाने को शान आमिर खान अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ। इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम। इस गाने के गायकार शंकर महादेवन बक्स भार्गव शंकर सचदेव रोज गोपाल अय्यर रवि खानवियर लॉक मेंडोसा अमोल गुप्ते किरण राव आमिर खान राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो। इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर 7 मेरा जहान। इस गाने को अदनान सामी ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम। इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको
तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद, पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेजी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर, विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय की शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड। ईशान नंदकिशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्यावधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहां वह तेज़ी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है, जो केवल वहां के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है।
वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं, जहां वे ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उसे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबू नंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान रामशंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेड मास्टर के रूप में आइरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007 तारे ज़मीन पर 2007 थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं। हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वी द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर इस गाने के गायक शंकर महादेवन
डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर दो कोलो कोलो, इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर तीन बम बम बोले, इस गाने को शान, आमिर खान, अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर चार माँ, इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर पाँच भेजा कुम, इस गाने के गायकार शंकर महादेवन, बक्स भार्गव, शंकर सचदेव, रोज गोपाल अय्यर, रवि खानवियर, लॉक मेंडोसा, अमोल गुप्ते, किरण राव, आमिर खान, राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर छः जेम रहो, इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर सात मेरा जहान, इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर आठ ईशान की थीम, इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेजी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय की शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे ज़मीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड ईशान नंद किशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालाँकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और उनकी माँ
माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्य अवधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहाँ वह तेजी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है जो केवल वहाँ के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं जहां वह ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उसे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबू नंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान रामशंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में
आयरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव, ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक, विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक, ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका, ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति, अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति, गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय, मुक्त 4 नवंबर 2007, रिकॉर्डेड 2007, स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत, शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक, लंबाई 38-45, लेवल टी सीरीज, निर्माता शंकर एहसान लॉय, शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007, तारे ज़मीन पर 2007, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008, तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं, हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वे द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग, गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर, इस गाने के गायकार शंकर महादेवन, डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो, इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले, इस गाने को शान, आमिर खान, अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ, इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम, इस गाने के गायकार शंकर महादेवन, बक्स भार्गव, शंकर सचदेव, रोज गोपाल अय्यर, रवि खानवियर, लॉक मेंडोसा, अमोल गुप्ते, किरण राव, आमिर खान, राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो, इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर 7 मेरा जहान, इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम, इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर, अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेज़ी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है, माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय छेड़ा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने
शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक डीवीडी जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की डीवीडी ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे जमीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड। ईशान नंदकिशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंदकिशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और अब उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्यावधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहाँ वह तेजी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है जो केवल वहाँ के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं जहां वह ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंदकिशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंदकिशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उससे प्यार करता है। नंदकिशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आँखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को भी विजेता घोषित किया जाता है।
प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबूनंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के ओब्लिक इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान राम शंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओक निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर के रूप में आइरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे जमीन पर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंड ट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007 तारे ज़मीन पर 2007 थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 तारे ज़मीन पर का साउंड ट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वे द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर इस गाने के गायकार शंकर महादेवन डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले इस गाने को शान आमिर खान अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम इस गाने के गायकार शंकर महादेवन बक्स भार्गव शंकर सचदेव रोज गोपालायर रवि खानवियर लॉक मेंडोसा अमोल गुप्ते किरण राव आमिर खान राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं। गाना नंबर 7 मेरा जहान इस गाने को अदनान सामी ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज हम आपको तारे ज़मीन पर मूवी के बारे में बताएंगे। इसमें हम मूवी के संबंध में कहानी और चरित्र से जुड़े तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सब दोस्त हमारी वीडियो को आसानी से देख सकें। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। धन्यवाद। तारे ज़मीन पर अनुवाद पृथ्वी पर सितारे, जिसे अंग्रेज़ी में लाइक स्टार्स ऑन अर्थ के रूप में भी कहा जाता है माना जाता है, आमिर खान द्वारा निर्मित
और निर्देशित 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। फिल्म में दर्शील सफारी, तनय छेड़ा, सचेत इंजीनियर विपिन शर्मा और टिस्का चोपड़ा के साथ खुद खान हैं। फिल्म एक 8 वर्षीय डिसलेक्सिक बच्चे ईशान सफारी के जीवन और कल्पना की पड़ताल करती है। यद्यपि वह कला में उत्कृष्ट है, उसके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण उसके माता पिता उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ईशान के नए कला शिक्षक निकुम को संदेह है कि वह डिसलेक्सिक है और उसकी रीडिंग डिसऑर्डर को दूर करने में उसकी मदद करता है। निर्देशक आमिर खान द्वारा लिखित, अमोल गुप्ते द्वारा निर्मित, आमिर खान अभिनीत, दर्शील सफारी, आमिर खान, टिस्का चोपड़ा, विपिन शर्मा, सचेत इंजीनियर, तनय शेरा, छायांकन सत्यजीत पांडे, सेतु द्वारा संपादित, दीपा भाटिया, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय, प्रोडक्शन कंपनी आमिर खान प्रोडक्शंस द्वारा वितरित, PVR चित्र, रिलीज की तारीख 21 दिसंबर 2007, कार्यकारी समय 164 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 120 मिलियन, बॉक्स ऑफिस अनुमानित 1.35 बिलियन। रचनात्मक निर्देशक और लेखक अमोल गुप्ते ने शुरुआत में अपनी पत्नी दीपा भाटिया के साथ विचार विकसित किया। उन्होंने फिल्म के संपादक के रूप में काम किया। शंकर एहसान लॉय ने फिल्म के स्कोर की रचना की और प्रसून जोशी ने कई गीतों के बोल लिखे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी मुंबई और पंचगनी के न्यू एरा हाई स्कूल में हुई और स्कूल के कुछ छात्र उपस्थित हुए। फिल्म ने 21 दिसंबर 2007 को भारत में नाटकीय की शुरुआत की और यूट्यूबी होम एंटरटेनमेंट ने 2008 में भारतीय दर्शकों के लिए एक DVD जारी की। डिज्नी के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की DVD ने एक वैश्विक स्तर पर भारतीय फिल्म के वितरण अधिकारों की पहली खरीद को चिन्हित किया। कंपनी सार्वभौमिक प्रशंसा के साथ तारे जमीन पर को कई पुरस्कार मिले हैं और डिसलेक्सिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 2009 के सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। भूखंड, ईशान नंदकिशोर अवस्थी एक 8 साल का लड़का है जिसे स्कूल जाने में परेशानी होती है। हालांकि सभी उसे सीखने से नफरत करते हैं और इसके लिए उसे नीचा दिखाया जाता है। कला और चित्रकला के लिए उनकी कल्पना, रचनात्मकता और प्रतिभा की अक्सर अवहेलना की जाती है। उनके पिता नंद किशोर अवस्थी एक सफल कार्यकारी हैं जो अपने बेटों से उत्कृष्टता की उम्मीद करते हैं और उनकी माँ माया अवस्थी एक गृहिणी है जो ईशान को शिक्षित करने में असमर्थता से निराश हैं। ईशान के बड़े भाई योहान अवस्थी एक अनुकरणीय छात्र और टेनिस खिलाड़ी है जिनकी छाया में ईशान रहता है। कक्षा में कटौती के बाद अपनी विफलता से तंग आकर नंदकिशोर ने ईशान मध्यावधि को एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। अकेले वहां वह तेजी से भय, चिंता और अवसाद की स्थिति में डूब जाता है जो केवल वहां के शिक्षकों और उनके सख्त और अपमानजनक शासन द्वारा खराब किया जाता है। उसका एकमात्र दोस्त राजन दामोदरन है जो एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का है जो शीर्ष छात्रों में से एक है और अपने परिवार के साथ वहाँ रहता है क्योंकि उसके पिता स्कूल के बोर्ड का हिस्सा है। ईशान एक दिन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है लेकिन राजन उसे रोकता है। विकासात्मक विकलांग छोटे बच्चों के लिए ट्यूलिप स्कूल में एक हंसमुख और आशावादी प्रशिक्षक रामशंकर निकुम उसी दिन बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो जाते हैं जो स्कूल के पूर्व कला शिक्षक सत्तावादी श्री होलकर की जगह लेते हैं। राम की शिक्षण शैली होलकर की शिक्षण शैली से स्पष्ट रूप से भिन्न है और वह उस दिन ईशान की नाखुशी पर ध्यान देता है। जब वह कक्षा के दौरान कुछ भी आकर्षित करने में विफल रहता है, वह ईशान के काम की समीक्षा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसकी शैक्षणिक कमियां डिसलेक्सिया का संकेत हैं। राम फिर मुंबई में अवस्थियों से मिलने जाते हैं जहां वह ईशान की कला में छिपी रुचि को जानकर हैरान रह जाता है। घबराया हुआ वह माया और योहन को दिखाता है कि कैसे ईशान को डिसलेक्सिया के कारण अक्षरों और शब्दों को समझने में अत्यधिक कठिनाई होती है और खेल कौशल में उसकी गरीबी उसकी खराब मोटर क्षमता से उत्पन्न होती है। नंद किशोर इसे बौद्धिक अक्षमता बताते हैं और इसे आलस्य बताते हैं। स्कूल में वापस राम प्रसिद्ध
डिसलेक्सिक लोगों की सूची की पेशकश करके एक कक्षा में डिसलेक्सिया के विषय को सामने लाता है। वे ईशान को दिलासा देता है, उसे बताता है कि उसने एक बच्चे के रूप में भी कैसे संघर्ष किया। राम को ईशान का ट्यूटर बनने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति मिलती है। धीरे धीरे देखभाल के साथ वह डिसलेक्सिया विशेषज्ञों द्वारा विकसित उपचारात्मक तकनीकों का उपयोग करके ईशान को पढ़ने और लिखने में सुधार करने के लिए काम करता है। आखिरकार ईशान के आचरण और उसके ग्रेड दोनों में सुधार होता है। एक दिन नंद किशोर स्कूल जाता है और राम से कहता है कि उसने और उसकी पत्नी ने डिसलेक्सिया पर पढ़ लिया है और स्थिति को समझ लिया है। राम का उल्लेख है कि ईशान को समझने से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, वह यह है कि कोई उसे प्यार करता है। नंद किशोर के बाहर ईशान को एक बोर्ड से पढ़ते हुए देखता है। आंसू भरी आंखों के साथ वह अपने बेटे का सामना करने में असमर्थ है और चला जाता है। स्कूल वर्ष के अंत में राम कर्मचारियों और छात्रों के लिए एक कला और शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसे कलाकार ललिता लाजमी द्वारा जज किया जाता है। ईशान का काम उसे विजेता बनाता है और ईशान का चित्र बनाने वाले राम को उप विजेता घोषित किया जाता है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि राम को स्कूल के स्थायी कला शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जब ईशान के माता पिता स्कूल के आखिरी दिन उसके शिक्षकों से मिलते हैं तो वे उसमें परिवर्तन से अवाक रह जाते हैं। भावना के साथ काबू नंद किशोर धन्यवाद राम जाने से पहले ईशान राम की ओर दौड़ता है, जो उसे गले से ऊपर उठाता है। फेंकना। ईशान नंद किशोर अवस्थी इनू के रूप में दर्शील सफारी माया और नंद किशोर के बेटे वीर मोहन लिटिल ईशान के रूप में आमिर खान रामशंकर निकुम के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में एक कला शिक्षक और इनू के शिक्षक तनय छेड़ा राजन दामोदरन के रूप में इनू का सबसे अच्छा दोस्त और बोर्डिंग स्कूल में सहपाठी योहान नंद किशोर अवस्थी के रूप में सचेत इंजीनियर इनू का भाई अनिकेत इंजीनियर के रूप में जूनियर योहान माया अवस्थी के रूप में टिस्का चोपड़ा ईशान और योहान की माँ नंद किशोर अवस्थी ईशान और योहान के पिता के रूप में विपिन शर्मा रामित गुप्ता रंजीत के रूप में जमीन खान के रूप में गिरिजा ओ निकुम के सहकर्मी वर्ष भार्गव सेन सर और शंकर सचदेव तिवारी सर के रूप में न्यू एरा हाई स्कूल में दो शिक्षक एम के रैना न्यू एरा हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल प्रिंसिपल हेड मास्टर के रूप में आइरीन टीचर के रूप में सोनाली सचदेव ईशान के पूर्व स्कूल में एक अंग्रेजी शिक्षक विक्टोरिया शिक्षक के रूप में मेघना मलिक ईशान के पूर्व स्कूल की शिक्षक और गणित की शिक्षिका ललिता लाजमी खुद के रूप में कैमियो उपस्थिति अभिषेक बच्चन खुद के रूप में तस्वीर में कैमियो उपस्थिति गीत संगीत तारे जमीन पर साउंडट्रैक एल्बम द्वारा शंकर एहसान लॉय मुक्त 4 नवंबर 2007 रिकॉर्डेड 2007 स्टूडियो आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई भारत शैली फीचर फिल्म साउंडट्रैक लंबाई 38-45 लेवल टी सीरीज निर्माता शंकर एहसान लॉय कालक्रम हे बेबी 2007 तारे ज़मीन पर 2007 थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक 2008 तारे ज़मीन पर का साउंडट्रैक 4 नवंबर 2007 को टी सीरीज लेवल के तहत जारी किया गया था। संगीत मुख्य रूप से शंकर एहसान लॉय द्वारा रचित है, जिसके बोल प्रसून जोशी के हैं। हालांकि मेरा जहां शैलेंद्र बर्वी द्वारा रचित और गुप्ते द्वारा लिखित है। जोशी को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और शंकर महादेवन ने माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। ट्रैक लिस्टिंग गाना नंबर 1 तारे ज़मीन पर, इस गाने के गायकार शंकर महादेवन डोमिनिक सेरोजो और बीबीएन पोचा हैं। गाना नंबर 2 कोलो कोलो, इस गाने को रमन महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 3 बम बम बोले, इस गाने को शान आमिर खान अरमान मलिक ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 4 माँ, इस गाने को शंकर महादेवन ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 5 भेजा कुम, इस गाने के गायकार शंकर महादेवन बक्स भार्गव शंकर सचदेव रोज गोपाल अय्यर रवि खानवियर लॉक मेंडोसा अमोल गुप्ते किरण राव आमिर खान राम माधवनी और हाजी स्प्रिंगर हैं। गाना नंबर 6 जेम रहो, इस गाने के गायकार विशाल ददलानी हैं।
गाना नंबर 7 मेरा जहान। इस गाने को अदनान सामी, ओरियल कार्डो और अनन्या बाडकर ने अपनी आवाज़ में गाया है। गाना नंबर 8 ईशान की थीम। इस गाने के गायकार शंकर एहसान लॉय हैं। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।